हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा बाबू छपरा बिहार से। मैं इस वीडियो में आपको एक नोटिफिकेशन लाया हूं जो मारुति सुजुकी कार प्लांट हंसाल मतलब गुजरात की कंपनी है, कैंपस करने जा रही है बिहार में। 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख को कैंपस करने जा रही है। इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम कितना नंबर का होता है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, नोटिफिकेशन भी दिखाऊँगा और कंपनी ITI की तरफ से रिलीज़ किया गया है नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और अभी मैं आपको बता दूँ कि मारुति सुजुकी जो हरियाणा में है, मैं जिसमें काम करता हूँ, TW का फॉर्म निकला है, तो आप लोग कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया है। अगर आप लोग का कोई नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे या फिर इंस्टा पे मैसेज करेंगे, उसका रिप्लाई किया जाएगा। जैसे कि आप लोग को एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और इंटरव्यू कैसा होता है वो मैं बताऊंगा, मेडिकल में क्या पूछे जाते हैं, मेडिकल में क्या चेकअप होता है वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और चलिए अभी नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। और एक और बात बता दूँ कि जैसे कि आप मारुति सुजुकी कार प्लांट, जैसे कि गुजरात वाली कंपनी है हंसाल में, अगर आप अभी ये नोटिफिकेशन वहीं का मैं बता रहा हूँ, ठीक, बना रहा हूँ, और अगर आप वहाँ पे काम कर, वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो हरियाणा में गुड़गांव में जो कंपनी है मारुति सुजुकी, यहाँ पे आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे नहीं जाना होगा, नहीं तो आप लोग को जॉब की बहुत ही नीड है तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी नोटिफिकेशन तरफ लेके चलता हूँ, कैमरा पे आते हैं। हाँ, तो एग्जाम आप लोगों का 50 नंबर का होगा, जैसे कि 8 तारीख को मुजफ्फरपुर में कैंपस करने जा रही है मारुति सुजुकी गुजरात वाली, और 9 तारीख को पटना में दीघा में जा रही है, ठीक है, 10 तारीख को भोजपुर में जा रही है। सारे जगह पे 50 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 नंबर में अगर आपके पास 18 नंबर कम से कम आ जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, ठीक है। अभी ओडिशा में कैंपस करने गई थी मारुति सुजुकी जो गुजरात वाली है, वहाँ पर गई थी 20 तारीख को, 25 तारीख को ज्वाइनिंग उन लोगों का हो गया है, जो भी एक लड़का है जो कि वहाँ पे गया है, ज्वाइनिंग हो रहा है उन लोगों का, तो उसका ज्वाइनिंग कैसे हो रहा है, उसका सैलरी स्लिप जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मतलब कि एग्ज़ाम में बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिशियन से हैं तो ओम वोल्ट मीटर, यही से, अगर फिटर से हैं तो छेनिंग हथौड़ी, यही सब थोड़े मोड़े पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में लगभग पास हो जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में डरने की बात नहीं है। और इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यू में बस आपके इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा, जैसे कि एक लोग जाएंगे वहाँ पे, कोरोना जैसे चल रहा है तो मारुति सुजुकी कार प्लांट जो गुजरात से एक HR आएंगे, कंपनी के बारे में पूरा नोटिफिकेशन देंगे, कितना सैलरी मिलेगा, कितना PF कटेगा वो मैं तो वीडियो में बताऊँगा, लेकिन वो बताएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू आप लोग का हेडफोन लगा के ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे, तो फैमिली के बारे में पूछा जाएगा, काम क्या, कहीं काम किए हैं नहीं किए हैं, थोड़े बहुत आपका इंट्रोडक्शन, और आप मतलब देखा जाएगा कि आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हार्डवर्क होता है। हार्डवर्क क्या, जैसे असेंबली लाइन में काम होता है तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जॉब की नीड है या नहीं है, वही इंटरव्यू में आपको पूछे जाएंगे। अगर आप उनको मैनेज कैसे भी कर लेते हैं कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ और मुझे जॉब की नीड है, तो आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे, ठीक है। अभी चलिए नोटिफिकेशन तरफ लेके चलता हूँ। हैं सुजुकी मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हंसालपुर गुजरात की ये नोटिफिकेशन है, और जो ITI से नोटिफिकेशन निकाली गई है वो भी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 2022 में बिहार में पहली बार ये कैंपस करने जा रही है, ठीक, गुजरात वाली कंपनी। 8 फरवरी को गवर्नमेंट ITI मुजफ्फरपुर में ये जा रही है, ठीक है। 9 फरवरी को गवर्नमेंट ITI पटना में जा रही है, ठीक है, दीघा, ठीक है, दीघा। 10 फरवरी 2022 को डॉक्टर दयाल प्राइवेट ITI भोजपुर बिहार, ठीक है। क्वालिफिकेशन जैसे कि 10वीं और ITI पास होना चाहिए, NCVT या SCVT या SCVT टू SCVT किए हैं वो भी जा सकते हैं। अब परसेंटेज की बात करें, ठीक है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि ये गुजरात वाली कंपनी मैट्रिक में कम से कम 50% मार्क्स मांगती है और ITI में कम से कम 60% मार्क्स चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये हरियाणा वाली मारुति सुजुकी जो कि 25,000 इन अकाउंट आती है, यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 50% से कम है तो यहाँ पे नहीं जाना, ठीक है। ITI पास आउट की बात करें तो 17 में पास आउट किए हैं, 18, 19, 20, 21 में पास आउट किए हैं, तो आप जा सकते हैं। 21 वाले भी पास आउट नहीं किए होंगे, अभी आप लोग का रिजल्ट नहीं आया होगा, ये भी ये 21 वाले आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। अपीयरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए एलिजिबल ITI ट्रेड, जैसे कि फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, पेंटर, जनरल। आपकी फिटर और इलेक्ट्रिशियन ये है तो है, ठीक है। TW मारुति नहीं लेती है यहाँ वाली, हरियाणा वाली, ये इलेक्ट्रिशियन लेती है, आप जा सकते हैं। एक लड़का का कल ज्वाइनिंग हुआ है, वो इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। और ये अब नीचे करते हैं एक्सपीरियंस, जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस हो या नहीं हो आप जा सकते हैं।
एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल होना चाहिए। सैलरी बेनिफिट मंथली ग्रोथ सैलरी 20,100 अप्रॉक्स है, ठीक है। CTC मतलब कि 20,100 में से आपको कंपनी रहने खाने की सुविधा देती है, ठीक है। रहने के लिए हॉस्टल देती है, हॉस्टल का 1,000 रुपये काटती है और PF काटती है, और खाने पीने का जो भी काटती है पूरा डिडक्ट करने के बाद 14,925 रुपये आपके अकाउंट में आपके इन अकाउंट 14,925 रुपये। जैसे कि आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों टाइम खाना आपको मिलेगा कंपनी में। रहने के लिए हॉस्टल देती है, हॉस्टल का 1,000 रुपये काटती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो आप अलग रूम लेकर रह सकते हैं, तो रूम लेकर आएंगे तो कई पैसा ज़्यादा लगेगा। अदर बेनिफिट की बात करें तो फ्री PF आपका कटेगा 1,100 रुपये, जो कि डबल होकर मिलता है। ESI आपको तबीयत ख़राब होती है आपकी या फैमिली मेंबर की तो आप ESI में दिखा सकते हैं। कैंटीन में आपको फ्री मिलेगा, यूनिफॉर्म फ्री मिलेगा, स्विच फ्री मिलेगा, मेडिकल सुविधा दी जाएगी, ग्रुप इंश्योरेंस जैसे कि आपका इंश्योरेंस वहाँ पे कुछ दिया जाता है। और जॉब लोकेशन आपका हंसालपुर गुजरात रहने वाली है, जैसे गुजरात में एक ही कंपनी है मारुति सुजुकी का एक ही प्लांट है, वहाँ पे आपको ये होगा। अब इंटरव्यू कब होगा, कहाँ पे होगा, ये देखिए 8 फरवरी को मंगलवार को गवर्नमेंट ITI मुजफ्फरपुर में, ये गन्नीपुर रोड पंजाबी कॉलोनी बिहार, मतलब कि मुजफ्फरपुर में एक ही ITI है गवर्नमेंट ITI, यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। ये 84201 यहाँ पे सर्च करेंगे वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। 9 फरवरी को पटना दीघा घाट रोड बाजितपुर पटना, यहाँ पे आप जा सकते हैं। 10 फरवरी को भोजपुर में है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। और रहा बात अब नोटिफिकेशन, ये कंपनी तरफ से निकाली गई नोटिफिकेशन है, ये मैं आपको HD में आपको लगा दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये नोटिफिकेशन ITI की तरफ से निकाली हुई नोटिफिकेशन है, ये इसको आप नोटिफिकेशन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इंस्टा पे आप फॉलो करेंगे, इंस्टा पे मैं स्टोरी लगाते रहता हूँ, हर कंपनी का स्टोरी लगाते रहता हूँ, तो आप स्टोरी देख सकते हैं। क्योंकि छोटी मोटी कंपनी का जैसे कि आप लोग वेट कर रहे हैं, बहुत मतलब कि नीड है छोटी भी कंपनी का, तो जैसे कि 10-12 हज़ार रुपये जो भी कंपनी देती है उस कंपनी का मैं स्टेटस लगा देता हूँ, ठीक है। जो भी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ उसका स्टेटस लगा देता हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।